दोस्तों आज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में दूसरा ओडीआई मैच खेला गया, जहां पे हम बांग्लादेश ने इंडिया के सामने 270 रनों का लक्ष्य रखा था। वहीं जवाब में उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और शुरुआती के बल्लेबाज यहां पे लड़खड़ा गए। इसके बाद यहां पे श्रेयस अय्यर ने हालांकि पारी को संभाला, लेकिन वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। लेकिन अंतिम के ओवर में रोहित शर्मा ने गजब की बल्लेबाजी दोस्तों की है। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा दरअसल आज 9वें नंबर पे उतरे थे, क्योंकि वो शुरू में रिटायर्ड हर्ट के कारण यानी उनके दाएं उंगली में चोट थी, जिस वजह से वो ओपनिंग करने नहीं आए थे। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने बहुत ही गजब की यहाँ पे पारी खेली है। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा ने 28 गेंदों पे 51 रनों की पारी यहाँ पे खेल डाली और सामने वाले बांग्लादेश के हक्के बक्के उड़ा दिए। हालांकि टीम को जीत नहीं दिला सके, क्योंकि मोहम्मद सिराज की वजह से उन्हें 6 गेंद कम खेलने को मिला। मोहम्मद सिराज ने 48वें ओवर को पूरा मेडन ही करवा दिया, जिस वजह से रोहित शर्मा और टीम इंडिया इस मैच को हार गई। दोस्तों आपको रोहित शर्मा की बैटिंग कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इस तरह की न्यूज के लिए चैनल के साथ बने रहें।